खासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जो हमने एक माहौल बनाया था 2002 के बाद इनको वापस लाने का, इनको यहाँ बसाने का, उसमें काफ़ी बड़ी रुकावट आ गई। ये जो पिछले एक साल से यहाँ टारगेटेड किलिंग्स हो रही कश्मीरी पंडित। इधर पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने से बाज नहीं आता, और उधर देश में बैठे कुछ नेता पाकिस्तान का समर्थन करने से बाज नहीं आते। ऐसी एक नेता है जम्मू कश्मीर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जो लगातार पाकिस्तान से बात करने का हवाला देती हैं, समर्थन करती हैं कि जल्द ही उनसे बात की जाए, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में बिजी है, आतंकवाद नए सिरे से कश्मीर में बसाने की योजना बना रहा है। दरअसल आज पीडीपी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर में भर्ती राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। यह बैठक पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के घर पर हुई, जिसमें नईम अख्तर, अब्दुल रहमान वीरी और गुलाम नबी लोन हंजूरा सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। और बैठक के बाद जब महबूबा मुफ्ती को बयान देना था कि उनकी इस बैठक में किस बात को लेकर चर्चा हुई, तो उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान से बात करने का समर्थन किया, आप सुन सकते हैं, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जनता ने महबूबा मुफ्ती को सबक सिखा दिया। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई, और इसमें हमने दोहराया अपना अजम जो हमारी जमात का है कि मसले कश्मीर के हल के हवाले से जो इसका एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशन है, उसको हल करने के लिए हम काम करेंगे। जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जोर देते हैं कि न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करे, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करे। तो ये जो जम्मू कश्मीर में खून खराबा, ये जो खून की होली रोज़ बरोज़ चलती रहती है, इसको बंद किया जाए। और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक 2019 5 अगस्त से ख़त्म किए गए हैं, उनको रिस्टोर करना, 370 और 35 ए के लिए जो हमारा एक मिला जुला एजेंडा है कुछ जमातों के साथ, कि उसको रिस्टोर करने के लिए हमारी ये गुजारिश है कि एक तो हम तो खुद जदोजहद करेंगे, मगर हम अपील करते हैं दूसरी जमातों से भी कि वो इसमें सपोर्ट करें, इसमें हम लोग इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि अगर हम इसके लिए इकट्ठा नहीं होते हैं तो न तो हमारा वजूद रहेगा, न हमारी शिनाख्त रहेगी, और हम एक दूसरे के साथ किस चीज़ के लिए लड़ते हैं फिर। तो अगर वो चाहेंगे हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मगर जहां हमें भी उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम चाहेंगे वो इस मुद्दे पे हमें सपोर्ट करें। और इसके अलावा जो यहां किलिंग्स, जिसमें जो यहां के लोग, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी हो, चाहे पुलिस का हो, खासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई, जो हमने एक माहौल बनाया था 2002 के बाद इनको वापस लाने का, इनको यहाँ बसाने का, उसमें काफ़ी बड़ी रुकावट आ गई। ये जो पिछले एक साल से यहाँ टारगेटेड किलिंग्स हो रही कश्मीरी पंडित्स की, और मरकजी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। हालांकि वो इनका इस्तेमाल करती है हर इलेक्शन में वोट लेने के लिए, मगर इनको बसाने में, इनको तहफ़ देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसके लिए हमारे पार्टी वादाबंद है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको, जहाँ भी हैं उनको जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में, बाइज्जत तरीके से वापस लाना है। तो सुना आपने, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, उस पाकिस्तान से जो आए दिन कश्मीर में आतंकियों को भेजकर यहां के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि देश की जनता महबूबा मुफ्ती को किस तरह से जवाब दे रही है। पंकज कौशल लिखते हैं, इनका एजेंडा पाकिस्तान से भारत की मित्रता कराकर फिर आतंकवाद करवाना है। भाई, जिन भिखारिस्तानियों को भारत ने ठुकरा दिया, आज खाने के लाले पड़े हैं। सुनील देहरिया कहते हैं, हम क्यों बात करें, और आप बार बार किस आधार पर बात करने को कहती हैं? मुझे तो यही समझ से परे है, आज तक तो बात होती आई है, क्या मिला? हमारे 40-40 जवान शहीद हो जाते हैं, और गुनहगार कौन? पाकिस्तान। तो हम क्यों बात करें, कृपया आप बात करने की मंशा अपने मन से निकाल दें। एसएस यादव कहते हैं, मैडम पाकिस्तान से कहो कि कब्जा वाले कश्मीर हिंदुस्तान को सौंप दे, उसके बाद एक पड़ोसी के नाते पाकिस्तान के सिंध पर सोचा जाएगा। मुंजेश चौरसिया कहते हैं, सरकार से गुजारिश है कि इन मैडम को पाकिस्तान क्यों नहीं भेज देती, भारत में रहती है और टेंशन पाकिस्तान की रहती है। तो देखा आपने जनता किस तरह से महबूबा मुफ्ती को आईना दिखाने में लगी है कि अगर आपको पाकिस्तान का ही समर्थन करना है तो पाकिस्तान ही क्यों नहीं चले जाती। फिलहाल ये सुधरने वाले नहीं, देखना होगा कि उनके इस बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।